जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के डोगरा चौक में हम इस समय मौजूद है। यहां पर एक स्कूटी को जो है वो यहां पर पाया गया है, और जिस स्कूटी की नंबर प्लेट की बात करें तो इस पर जो है वो टेपे लगी हुई है। नंबर यहां पर पढ़ा नहीं जा रहा है, JK02CO, आगे ना जाने क्या नंबर है। वो टेपों से हाइड किया गया है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप स्कूटी को, अपनी किसी भी गाड़ी को इस तरह से उसकी नंबर प्लेट पर टेप लगाते हैं तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। लेकिन सल्यूट करना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस के इन जवानों को, जिनकी नजर जैसे ही स्कूटी पर पड़ी है तो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को इतला दी गई और ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची है। अभी फिलहाल इस स्कूटी को जो है यहाँ पर सीज किया जाता हुआ। नहीं नहीं, अगले जान दो, अगला ये ना, अगली साइड है ना वो फ्रंट है ग्रुप। तो देख सकते हैं कि दोनों साइडों से, अभिषेक जी से, अपने साथी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं दोनों साइडों से इस गाड़ी की नंबर प्लेट किस तरह से छुपाई गई है, चलान से बचने का किस तरह का अनोखा कारनामा जो है वो लोगों द्वारा अब जम्मू में अपनाया गया है। ना जाने ये स्कूटी वाला जो है वो कल को किसी को हिट कर जाता है तो इसे जो है वो किस तरह से पहचाना जाएगा। आखिरकार ये जम्मू में क्या हो रहा है, किस तरह का, देख सकते हैं कि अभी फिलहाल पुलिस द्वारा और लोकल लोग व ट्रैफिक पुलिस की मदद से जो है वो इस गाड़ी में यहाँ पर डाला जा रहा है और स्कूटी को यहाँ पर सीज किया जा रहा है। गाड़ी का, स्कूटी का नंबर यहाँ पर पूरे तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि टेपे लगी हुई है। और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जिनकी नजर जैसे ही जम्मू के इस डोगरा चौक में यहाँ पर मौजूद थे और इस स्कूटी पर पड़ी है तो उसके बाद यहाँ पर इसे बहुत बड़ा क्राइम है। जो चालक है वो कहाँ पे? चालक लापता है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आया नहीं तो इसको तो हमने देख सकते हैं कि काफी देर तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने इंतजार किया कि आखिरकार कोई ना कोई मालिक जो है वो यहाँ पर इसका सामने आए। कुछ लोकल से इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर राकेश शर्मा। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो यहाँ पर एक स्कूटी को सीज किया गया जिसकी काफी देर से यहाँ पर खड़ी थी और नंबर प्लेट छुपाई गई? सर सबसे पहले ये जो नंबर प्लेट पर इन्होंने प्रिंट लगाया हुआ है, यहाँ तो वो एक्सीडेंट से बचने के लिए या चलान से बचने के लिए या कल को भगवान ना करे कोई गलत काम करने के लिए इसके लिए टेप लगाई गई है। कल को अगर ये किसी को हिट करके भाग जाता है तो जो पुलिसकर्मी है या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो इसका नंबर कैसे नोट करेंगे जबकि इन्होंने टेप लगाई है। और मैं सलूट करना चाहूंगा ट्रैफिक पुलिस को और JKP वालों को, और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिसकी भी स्कूटी है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो देख सकते हैं कि फिलहाल स्कूटी को जो है वो यहाँ पर इस ऑटो में डालकर ले जाया गया है। जिसकी भी ये स्कूटी थी उसका काफी देर तक यहाँ पर इंतजार किया गया ताकि पता चल सके कि आखिरकार स्कूटी का मालिक कौन है। लेकिन जब कोई भी जो है वो स्कूटी का मालिक यहाँ पर सामने नहीं आया, ना जाने क्या कुछ वजह रही है, क्यों नहीं वो सामने आया, या उसमें कोई डर था कि मुझे पुलिस वाले पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर स्कूटी को इसने जो है वो टेपे लगा रखी थी फ्रंट वाली नंबर प्लेट पे भी और बैक साइड की जो नंबर प्लेट रहती है, और जैसी नजर जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्कूटी पर पड़ी तो उसमें देखा गया कि किस तरह से नंबर प्लेट को छुपाया गया है। ना जाने इस नंबर प्लेट को छुपाकर ये युवक जो है वो, ये व्यक्ति जो भी है, ये किस तरह का काम करता होगा, ये क्या करता होगा। कल को माता रानी ने करे कि किसी को ये अगर हिट करके चला जाए तो इसे जो है वो किस तरह से पहचाना जाएगा। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या इस तरह से नंबर प्लेट पर इस तरह से टेपिंग करना सही है या गलत है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो उस बाइक को, माफ कीजिएगा, स्कूटी को जो है वो सीज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी वो की जाएगी। जनता अपने सुझाव कमर बक्सो जरूर साझा कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।